हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय कुमार और आप सभी का आपके चैनल विजय मैथ्स फॉर यू में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, क्या माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है। हमने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म में कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक आता है। जैसे कोई परिमेय संख्या एक है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a और इसका गुणनफल होगा एक, a से एक कट जाएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, अगर गुणनफल एक आएगा तो हम कहेंगे कि माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर एक के अलावा गुणनफल कोई भी संख्या आता है तो हम कहेंगे कि माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। हम यहां लिखेंगे माइनस एक सही 1/8 गुना 8/9। यहां पर लिखेंगे माइनस, 8 से गुना करेंगे एक में और फिर एक जोड़ेंगे, 8 एकम 8 और एक 9/8, फिर गुना में 8/9। ये 8 से 8 कट गया एक बार में, फिर ये 9 से 9 कट गया ऊपर, फिर माइनस, 1 से गुना करेंगे एक में तो एक, फिर नीचे 1 से एक में गुना करेंगे तो एक, और माइनस 1/1 माइनस एक होगा। तो यहां पर इसका गुणनफल माइनस एक आया, तो हम लिखेंगे यहां माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है।